Good morning, dear student. Myself, Mr. Dharmendra Damahe, working as a trained teacher in Nehru Nagar Upper Primary Hindi School, Kurla East. Now I am teaching English subject in BMC online classes for standard fifth. बाकी की जानकारी आपके स्क्रीन पे दिया गया है. Today date 26 February 2021, day Friday. आज के दिन भूतकाल में कौन सी घटनाएं हुई है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे. 26 February 1910 में गांधी जी सपोर्ट द अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिजोल्यूशन टू डिक्लेयर द प्रिंस ऑफ वेल्स डे ऑफ अराइवल इन साउथ अफ्रीका ए डे ऑफ मॉर्निंग. गांधी 26 जनवरी 1910 के दिन गांधी जी ने वेल्स के राजकुमार का दक्षिण अफ्रीका आगमन के दिन को शोक का दिन घोषित करने के लिए अफ्रीकी पीपुल ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव का समर्थन किया था. 26 जनवरी 1887 के दिन आनंदी गोपाल जोशी फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन. आनंदी गोपाल जोशी जो थी वो पहली भारतीय महिला चिकित्सक बनी थी 26 फरवरी 1887 में. फरवरी 2004 में शंकर राव चौहान इंडियन पॉलिटिशियन हु सर ट्वाइस ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. शंकर राव चौहान भारतीय राजनेता जिन्होंने दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था. तो ये हो गए भूतकाल में हुई घटनाएं. डे ऑफ द थॉट द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट. एरिस्टोटल के अनुसार जो शिक्षा की जड़ें है वो कड़वी है पर उसका जो फल है बहुत मीठा है. अरस्तु जी कहते हैं जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं फल रखा हुआ है. फल कैसे रहते हैं? फल हमेशा मीठे रहते हैं. तो जो शिक्षा की जो जड़ें है वो भले कड़वी है लेकिन इसका जो फल है वो बहुत मीठा है स्वादिष्ट है ऐसा अरिस्टोटल जी या अरस्तु जी कहते हैं. टुडे वी लर्न वोकैबुलरी एंड सब यूनिट राइटिंग फेमिलियर रिलेटेड वर्ड विद द गिवन क्लू और पिक्चर्स. Today topic is very interesting because this topic is related to our day-to-day life. A vocabulary also known as a word stock is a set of familiar words within a person language. A vocabulary usually developed with age serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. Acquiring as a active vocabulary is one of the largest challenge in learning a second or third language. यह एक शब्दावली या शब्द संपत्ति है या इसे हम एक शब्द संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है. किसी व्यक्ति की भाषा के भीतर परिचित शब्दों का एक समूह है. एक शब्दावली जो आमतौर पर उम्र के साथ विकसित होती है. संचार और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी और मौलिक उपकरण के रूप में कार्य करती है. यह एक व्यापक शब्दावली हासिल करना दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी चुनौती है. और एक महत्वपूर्ण बात है रिलेट फेमिलियर रिलेटेड
वर्ड का मीनिंग होता है कि आपके परिचित शब्द, आपके परिचित शब्द। अभी इसको हम वापस से समझेंगे। स्टूडेंट शुड राइट फेमिलियर वर्ड विद द गिवन क्लू। स्टूडेंट शुड नो द वर्ड फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ। स्टूडेंट शुड लर्न थ्रोली द टेक्स्ट बुक। दे शुड नो मैक्सिमम वर्ड रिलेटेड टू देयर सिलेबस। ये जो आज का जो हम लेसन ले रहे हैं, ये स्कॉलरशिप का जो यूनिट टू है उससे संबंधित है। और जो यूनिट टू का जो स्कॉलरशिप से तो संबंधित है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ से भी संबंधित है, क्योंकि ये हमारे खुद के परिचित शब्द है। यहाँ भी जो जानकारी दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि आपके क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के आपके इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक में जो जो वर्ड आए हुए हैं, या अदर सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक में जो वर्ड आए हुए हैं या शब्द आए हुए हैं, उन्हीं फेमिलियर वर्ड का आपके इस एग्ज़ाम में उपयोग किया जाता है। अगर आप ऐसा भी करेंगे कि सारे जो वर्ड है इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का पूरा कलेक्शन कर लेंगे, फ्रूट नेम, एनिमल नेम, फ्लावर नेम, वेजिटेबल नेम, ऑल टाइप्स ऑफ नेम एंड ऑल वर्ड जो आपको कठिन लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरा कलेक्शन भी कर लेंगे आप, तो आपको आगे के स्कॉलरशिप के लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्कॉलरशिप के बच्चों के लिए तो ये फायदेमंद है ही, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इस जो पैटर्न है, जिस किस प्रकार के प्रश्न हमें स्कॉलरशिप में आते हैं, ये बात को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा। इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड विथ सर्कस। अभी सर्कस ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सर्कस की पूरी संकल्पना आ गई होगी, जैसे पॉटर। इसका जो पहला आंसर है पॉटर, पॉटर का मीनिंग होता है बर्तन बनाने वाला। सेकंड है डॉक्टर, डॉक्टर यानी चिकित्सक। पेंटर, पेंटिंग करने वाला। लास्ट है जोकर। अभी ये जो चारों शब्द है, पॉटर, डॉक्टर, पेंटर, जोकर, ये प्रोफेशंस के बारे में बता रहे हैं और प्रोफेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और सर्कस, अगर आपने सर्कस देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, तो सर्कस जोकर के बिना नहीं हो सकता। इफ़ यू हैव सीन द सर्कस, यू मस्ट हैव सीन द जोकर। There can be no circus without a joker. In the circus, joker make everyone laugh. Joker का काम circus में क्या रहता है? आपने अगर circus देखा होगा तो आपने joker को जरूर देखा होगा, और ये joker हर किसी को हंसाता है। इसका explanation है, above exercise indicate the professionals. Joker is related with circus. So answer is option 4. ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह का प्रोफेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है। यही प्रश्न आएगा, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको ध्यान देना है, आपको आपके स्कॉलरशिप में सबसे फर्स्ट बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्रश्न पढ़ लिया और आपको प्रश्न का अर्थ समझ गया, तो आपको 99% उसका उत्तर मिल ही जाएगा। सबसे पहली बात है, धैर्यपूर्वक आपको प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उससे समझना है। अब जैसे ही आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आएंगे, सबसे पहले आपको उस प्रश्न को पढ़ना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ भी किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना है। आप अगर एक बार प्रश्न समझ जाएंगे, और आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है, भले आपका पहला ऑप्शन भी सही हो, लेकिन आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है।
select the correct option related to the given picture. दिए हुए picture में से सही option हमें choose करना है. अब वो picture का नाम भी हो सकता है या उससे related और भी कोई चीज हो सकता है. जैसा first option आ रहा है kangaroo, second lizard, crocodile, python, kangaroo है ये आप भलीभांति जानते हैं. कंगारू नहीं है, लिजर्ड छिपकली भी नहीं है, क्रोकोडाइल है. क्या ये मगरमच्छ है? यस इट इज. तो ये मगरमच्छ है. ओके लास्ट ऑप्शन है पाइथन मिस अजगर. तो ये अजगर नहीं है, ये है क्रोकोडाइल. ओके आगे देखते हैं. एक्सप्लेनेशन इज द गिवन बॉक्स देयर इज ए पिक्चर ऑफ क्रोकोडाइल सो आंसर इज ऑप्शन थ्री. जो बॉक्स है उसमें जो पिक्चर दिया गया है वो क्रोकोडाइल का है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन थ्री होगा. ओके choose the correct missing letter from the given alternative to make meaningful word. अभी जो आपके स्क्रीन पे चार चित्र दिए हुए हैं और शायद नीचे में उनका नाम है, शायद नहीं परफेक्ट. फर्स्ट जो पिक्चर आपका दिया गया है वो कैमल का है. अभी आपको सबसे पहले इसके लिए सभी प्राणियों के सभी वस्तुओं के स्पेलिंग आपको रिमेम्बर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए. जब तक आपको स्पेलिंग रिमेम्बर नहीं रहेंगे आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. जैसे फर्स्ट पिक्चर केमल का है तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ केमल? सी ए एम ई एल. तो अभी फर्स्ट लेटर क्या था? सी था. सेकंड लेटर क्या था? सेकंड लेटर ए है. थर्ड लेटर यम है. फिर उसके बाद में जो फिलिंडी ब्लैंक्स है वहाँ ई आएगा. इस प्रकार से सी ई आएगा. तो हमें सबसे पहले ऑप्शन में सी और ई वाला ऑप्शन चूज करना है. तो यहाँ सेकंड ऑप्शन पर ही सी और ई है, उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में सी और ई नहीं है. तो आपको दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन सेकंड में ही सी और ई है. जैसे अभी सेकंड के बाद में बलून, बलून का क्या स्पेलिंग है? बी ए डबल एल डबल ओ एन. तो ये और फिल इन दी ब्लैंक्स में, पहले फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? ए आएगा. और दूसरे फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? यल आएगा. वैसे ही गार्लिक, गार्लिक में यल और सी मिसिंग है. केबेज में ए और बी मिसिंग है. तो देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट पिक्चर इंडिकेट केमल, सेकंड इंडिकेट बलून, थर्ड गार्लिक, फोर्थ केबेज. सो मिसिंग लेटर ऑफ ईच ग्रुप आर सी ए एल एल सी ए बी. सो आंसर इज ऑप्शन टू. अब आपको इसका परफेक्ट उत्तर कब मिलेगा? जब आपको इन सारे पिक्चरों का आपको नेम मालूम होगा तो आपको इसका उत्तर ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी. आपके पास रब करने के लिए जगह रहता है. अगर आपको नहीं जम रहा है मौखिक रूप से तो आप बाजू में रफ जरूर कीजिए. आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, आप 30 सेकंड के अंदर पूरे नाम और स्पेलिंग लिखकर ढूंढ सकते हैं और एकदम इजी टू वे है. कोई भी तकलीफ नहीं है. आपको प्रश्न को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने के बाद समझने की और समझकर उत्तर देने की जरूरत है. ओके ए बी क्वेश्चन उसी पैटर्न में है. अलग अलग चार चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं. अभी चारों पिक्चर में पहला पिक्चर इंडिकेट रोज, सेकंड बलून, थर्ड क्रोकोडाइल, फोर्थ हॉर्स,
आपको जरूरी है कि रोज व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रोज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बलून, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्रोकोडाइल एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉर्स। तो आपको चारों का क्या कौन सा चित्र है और उनके क्या नाम है और नेम के स्पेलिंग क्या है आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला रोज है आर ओ एस सी रोज, तो आर के बाद में वो मिसिंग है और यस के बाद में ई मिसिंग है, तो पहले पिक्चर में वो और ई मिसिंग है। सेकंड पिक्चर बलून है बी ए डबल एल डबल ओ एल, तो सेकंड पिक्चर में ए और एल मिसिंग है। थर्ड पिक्चर क्रोकोडाइल सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई, तो आर और डी मिसिंग है। थर्ड पिक्चर में एच ओ आर एस सी ओ और ई मिसिंग है, तो इसमें भी ऑप्शन टू जो है इसका यस आप बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा, कौन सी इसमें है ऑप्शन टू। यस ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको यहाँ चार अलग अलग प्रकार के ये दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है व्हीकल, सेकंड ऑप्शन है स्कूल, थर्ड ऑप्शन है फ्रूट, फोर्थ ऑप्शन है शॉप। तो फर्स्ट ऑप्शन जो व्हीकल है, व्हीकल में ट्रक और स्कूटर दिया हुआ है, तो ट्रक भी जानते हैं आप और स्कूटर भी जानते हैं जो सच में व्हीकल है। सेकंड में स्कूल दिया हुआ है और स्कूल में वैली और ओशियन दिया हुआ है। वैली यानी होता है घाटी, ओशियन यानी होता है सागर। अभी पम्पकिन और कैप्सिकम दिया हुआ है, पम्पकिन यानी फ्रूट में पम्पकिन में कद्दू और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च होता है। अभी शॉप क्लासरूम और पिकनिक, तो शॉप से क्लासरूम और पिकनिक दोनों संबंधित नहीं है। फ्रूट में पम्पकिन कैप्सिकम ये मैच नहीं हो रहा है, स्कूल में वैली और ओशियन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन व्हीकल में ट्रक और स्कूटर ये दोनों ही व्हीकल इस ग्रुप से आते हैं, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट करेक्ट बिकॉज ऑल द वर्ड इन ऑप्शन फर्स्ट बिलोंग टू द ग्रुप व्हीकल, सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को उत्तर बताना है। ओके आगे चलते हैं। सिलेक्ट टू पेयर ऑफ वर्ड। हमें क्या करना है, दो पेयर चुनना है जो सही है। जैसे आप पहले प्रश्न समझ लीजिए, पहला जैसे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो पहला प्लांट और विंग, तो पौधा और विंग पंख मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। फोर का डी और ट्री और ट्रक वो मैच हो रहा है, लेकिन दोनों पेयर सही वाले हमें उत्तर इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले जो ए कॉलम है, ए कॉलम में जो चार शब्द दिए हुए हैं प्लांट पौधा बर्ड पक्षी की चाबी ट्री पेड़, और जो बी कॉलम है, बी कॉलम में विंग पंख बीक चोच गन बंदूक ट्रंक आप शाखा कह सकते वृक्ष का तना ट्रंक यानी। तो पहला प्लांट में विंग मैच हो रहा है क्या, प्लांट पौधा पौधे को पंख होता है, ओके नो यस करेक्ट नो। बर्ड बीक बर्ड को चोच होता है यस करेक्ट, की गन ये भी मैच नहीं हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है और फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है ट्री और ट्रंक हाँ पेड़ का तना या वृक्ष का तना, ये एकदम चौथा और जो दूसरा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और सही है एकदम। तो जहाँ पे सेकंड बी और फोर डी आला ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ है। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझने की जरूरत है और समझने के बाद में ही उत्तर देना है। यस जैसे कि आप समझे हैं करेक्ट कि प्लांट का विंग जो है एक करेक्ट पेयर नहीं है, बर्ड का भी एकदम सही पेयर है, की का गन सही पेयर नहीं है, ट्री का ट्रंक सही पेयर है।
कौन सा आंसर होगा बच्चों, सोचिए। यस, ऑप्शन फोर, टू का बी एंड फोर का डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर। आपको जो पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर का क्या नाम है, ये हमें या उस पिक्चर से रिलेटेड वर्ड हमें चूज करना है। क्या ये विल्चर प्राणी पक्षी है, क्रोकोडाइल है, ईगल है या लिपबर्ड है। वेल्चर का हिंदी है गिद्ध, ईगल बाज, क्रोकोडाइल आप मगरमच्छ जानते हैं, लिपबर्ड तेंदुए। आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है तो आप अच्छे से जानते हैं। आपने ये पिक्चर जरूर देखा होगा, किसी ने इसे हकीकत में भी देखा होगा। तो यस बच्चों, कौन सा पिक्चर है ये, कौन से इसका पिक्चर है? यस, ईगल। ईगल इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन द गिवन बॉक्स देयर इज ए पिक्चर ऑफ ईगल, सो आंसर इज ऑप्शन थ्री। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। पहले क्या पूछा गया था? करेक्ट पेयर, सही पेयर ढूंढने थे। अभी प्रश्न को समझिए, से था अभी जो क्वेश्चन है उसमें हमको गलत पेयर ढूंढना है, यानी गलत जोड़ी ढूंढना है हमें। पहला पिक्चर बॉल का है, देखिए नीचे बॉल लिखा है, आई डोंट नो, आपको बताना है। अभी दूसरा पेयर और उसका नाम से सही है क्या? थर्ड जो है पेयर दोनों सही है क्या? और फोर्थ पेयर सही है क्या? हमें क्या ढूंढना है? गलत, इनकरेक्ट पेयर। अच्छा, हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर का, यस आप सही बता रहे हैं, बॉल, फर्स्ट पिक्चर बॉल है, नीचे भी बॉल लिखा हुआ है। सेकंड पिक्चर ग्लास है, नीचे भी ग्लास लिखा हुआ है। थर्ड पिक्चर क्या मून का है? नहीं, यस यस, ये मून का पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर सन का है और नीचे में मून लिखा हुआ है। तो ये क्या, एक इस थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट पेयर। तो और लास्ट पिक्चर क्या है? स्टार है और नीचे में भी स्टार लिखा हुआ है। तो इसमें जो इनकरेक्ट पेयर है वो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन वाला जो पेयर है वो इनकरेक्ट पेयर है। तो बच्चों ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत कठिन सवाल नहीं है, ये आपके लिए बहुत इजी टू वे जाएगा पूरा क्वेश्चन हल करने में। ऑप्शन थ्री जो है वो इसका राइट आंसर है, जैसे कि आपने बताया। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। अभी पहला पिक्चर का नाम उधर शायद लिखा है कैप। अभी सेकंड पिक्चर कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको, आप देखिए नाम देखकर शायद आपको याद आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन इज अम्ब्रेला, सेकंड ऑप्शन इज कोट, थर्ड ऑप्शन इज आयरन, फोर्थ ऑप्शन इज जार। क्या ये अम्ब्रेला है? नहीं, आपने अम्ब्रेला देखा है। क्या ये कोट है पहनने का? नहीं। क्या ये जग है? फोर्थ ऑप्शन, पानी पीने का जग या पानी जिससे निकालते हैं वो जग है? नहीं है। तो ये क्या है? आयरन है। आप समझ, यस करेक्ट, ये आयरन है। तो आयरन से क्या काम करते हैं हम लोग? कपड़ों को प्रेस करने का या इस्त्री करने का काम करते हैं। एकदम सही। तो थर्ड इज द थर्ड ऑप्शन इज राइट राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चूज द करेक्ट मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अभी ये जो है आपको कंप्लीट करना है। इसका सिंपल क्वेश्चन हमने देखा है, जैसे पहला पिक्चर आपके अनुसार आप बताइए, पहला पिक्चर किसका है? नीचे में नाम भी दिया हुआ है। पहला पिक्चर यस बटरफ्लाई का है।
सेकंड पिक्चर यस कुकुम्बर का है, वेरी गुड। थर्ड पिक्चर अम्ब्रेला, यस करेक्ट अम्ब्रेला का है। और फोर्थ पिक्चर स्क्विरल। तो आपको सबसे फर्स्ट तो स्पेलिंग आना चाहिए उसमें कोई, तो बटरफ्लाई का क्या स्पेलिंग है? बी, यस करेक्ट, बी यू डबल टी आर एफ एल वाई, यस। इसमें बी और लास्ट में ई डबल टी के बाद में ई मिसिंग है। अभी आप देखिए, अभी आपके पास समस्या आ गया कि बी से शुरू होने वाले तो तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन भी बी से शुरू हो रहा है, सेकंड ऑप्शन भी बी से शुरू हो रहा है, और फोर्थ ऑप्शन भी बी से शुरू हो रहा है, यस। अभी तो सेकंड, फिर बी के बाद में जो लेटर है उसके तरफ हम बढ़ेंगे। बी के बाद में जो मिसिंग लेटर है वो ई है। तो अब देखेंगे कि ई फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है बी के बाद, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है बी के बाद, या फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है बी के बाद। थर्ड के बारे में तो विचार करना बंद कर देंगे। तो ई जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन सा वर्ड है? कुकुम्बर, सी यू सी यू एम बी आर। तो इसमें सी और एम मिसिंग है। थर्ड जो ऑप्शन है यस अम्ब्रेला, यस अम्ब्रेला में यू और आर मिसिंग है, एकदम करेक्ट। और फोर्थ पिक्चर में यस स्क्विरल में यस और आई मिसिंग है। तो आपको इस प्रकार से, आपको पहले भी बताया, आप रिप रप में स्पेलिंग लिख सकते हैं, और लिख कर भी आप फट से 30 सेकंड के अंदर भी इसको 15 सेकंड में, सबसे ये स्कोरिंग वाला और कम से कम समय में हल करने वाला क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड और फेमिलियर वर्ड है, जो परिचित है एकदम हमसे, इसीलिए इसमें समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन दो बार पढ़ना है और आप उत्तर तुरंत देना है। आपको मैंने बताया है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको रफ में लिखना है। तो यस बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, यस फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ द ग्रुप इज इंसेक्ट, सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड। पहला ऑप्शन है पी, सेकंड ऑप्शन है पाइथन, थर्ड ऑप्शन है काऊ, फोर्थ ऑप्शन है बग। अभी सबसे पहले इंसेक्ट यानी क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत है। तो इंसेक्ट यानी कीट, या हम कीड़ा बोल सकते हैं, कीट। तो पीक, पीक का क्या आएगा? पीक का, पीक यानी सुअर, पाइथन यानी अजगर, काऊ यानी गाय। ये सब कीड़े के कैटेगरी में है क्या, या कीट के कैटेगरी में है क्या? नहीं है। अब है फोर्थ ऑप्शन बग, बग यानी खटमल या छोटा कीड़ा, बग यानी खटमल या छोटा कीड़ा, ओके। तो आप बताइए, मैंने सारे वर्ड के मीनिंग आपको बता दिया है। तो इंसेक्ट यानी कीट के कैटेगरी में फर्स्ट ऑप्शन पीक आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा पाइथन, या थर्ड ऑप्शन आएगा काऊ, या फोर्थ ऑप्शन आएगा बग। तो इंसेक्ट के कैटेगरी में यस यस फोर्थ ऑप्शन बग आएगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। गिवन द प्रॉपर पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड कस्टर्ड एप्पल। अभी जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें हमें कस्टर्ड एप्पल का पिक्चर कौन सा है ये चूज करना है। जैसे
ऑप्शन फर्स्ट कस्टर्ड एप्पल है, या ऑप्शन सेकंड कस्टर्ड एप्पल है, या ऑप्शन थ्री कस्टर्ड एप्पल है, या ऑप्शन फोर कस्टर्ड। ऑप्शन फोर से हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन फोर आपने देखा है ग्रेप्स है। ऑप्शन थर्ड बनानास है, आपने देखा है। ऑप्शन सेकंड जैक फ्रूट है। ऑप्शन वन कस्टर्ड एप्पल है। तो ऑप्शन वन क्या है, कस्टर्ड एप्पल है। यस करेक्ट, आपने देखा है सीताफल जैक फ्रूट। जैक सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, कटहल। थर्ड जो है केला, अगर और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ग्रेप्स यानी अंगूर है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि कस्टर्ड एप्पल का पिक्चर कौन सा है। तो आप यस बराबर करेक्ट है, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, पहले सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि जिसका स्पेलिंग सही नहीं है वो हमें चूज करना है, सही स्पेलिंग वालों को चूज नहीं करना है। जैसा कि फ्लोर, फ्लोर का स्पेलिंग FLOR, तो क्या सही है। सेकंड हेन HEN हेन। थर्ड CHIKEN। और फोर्थ है पॉप। अब ये चारों ऑप्शन आपको दो बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद में जो आपको करेक्ट लग रहा है वो छोड़ देना है। जैसे कि अभी यस यस हाँ करेक्ट, जैसे कि ऑप्शन थ्री जो चिकन है इसका स्पेलिंग गलत है, क्योंकि चिकन का जो स्पेलिंग है CHICKEN है। तो थर्ड ऑप्शन का जो स्पेलिंग है गलत है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड आएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड आएगा, क्योंकि करेक्ट जो स्पेल है वो चिकन है। चिकन का करेक्ट स्पेल CHICKEN है। ओके, आपको पहले भी बोला हूँ प्रश्न आपको दो बार पढ़ना है। जब आप प्रश्न पढ़ लेंगे, ये प्रश्न में पढ़ते ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। वापस से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी पहला है डांस, सेकंड है WALKE, अभी क्या वॉक। थर्ड है SIT सीट। फोर्थ है प्ले। अभी डांस का स्पेलिंग सही है, सीट का स्पेलिंग सही है, प्ले का स्पेलिंग सही है, वॉक का स्पेलिंग सही है क्या, वॉक WALKE। तो वॉक का यस हाँ यस बच्चों, वॉक का स्पेलिंग गलत है। वेरी गुड, तो WALKE वॉक, WALKE वॉक। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर है, और इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो वॉक है। करेक्ट स्पेल्ड इज वॉक। ओके, WALKE नहीं है, उसके जगह पे WALKE है। ओके नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। लेट्स चार आंसर दिए हुए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। अभी लेट्स मेक ए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर शॉपिंग। हम आपकी मदद जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो यस लिस्ट बनाते हैं। अब हमको ढूंढना है व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिस्ट सही है, या LEST लिस्ट सही है, या LEST लिस्ट फोर ऑप्शन सही है। तो आपको पहला लिस्ट यानी सूची या सामान की लिस्ट,
सेकंड लिस्ट LEST कम से कम, फोर्थ लिस्ट LEST कम या थोड़ा, इस प्रकार मीनिंग है। तो हमें हमारा जो वस्तु का या शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम सामानों का लिस्ट बनाएंगे, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यस LEST लिस्ट, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अभी आपको ध्यान देना है कि लिस्ट का कौन सा स्पेलिंग सबसे लिस्ट का स्पेलिंग सही है और वहाँ कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव आएगा। प्रश्न पढ़ेंगे, शॉपिंग शब्द आ गया, बनाना है हमको तो लिस्ट ही बनाएंगे शॉपिंग के लिए। क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें LEST लिस्ट ये वर्ड आएगा। ओके, ऑप्शन वन करेक्ट स्पेल इज लिस्ट। इफ बस बस स्टॉप देन एरोप्लेन, अगर बस बस स्टॉप में, बस का बस स्टॉप होता है तो बस का भी संबंध कैसे, बस स्टॉप जहाँ रुकती है। ओके वेरी गुड, तो अभी एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ स्टैंड में रुकती है, नहीं क्यू में या स्टेशन में या एयरपोर्ट। पहला ऑप्शन है स्टैंड, सेकंड ऑप्शन है एयरपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है क्यू, फोर्थ ऑप्शन है स्टेशन। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरोप्लेन कहाँ से टेक ओवर होता है और कहाँ से डिपार्चर होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है एयरपोर्ट से। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यस इसमें एयरपोर्ट आएगा। आपको पहले ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो फट से आपको इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन है एरोप्लेन, एयरपोर्ट आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ऑप्शन सेकंड एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर पहले ही दिया है ये बस, बस कहाँ, बस का बस स्टॉप है तो देन एयरप्लेन, एयरप्लेन का क्या, एरोप्लेन का क्या होगा, एयरपोर्ट होगा। ओके आंसर पहले ही आपको मिल गया है। ओके, सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव। आई ब्रश माय टीथ, क्लीन द बिलिंग्स ऑफ ए डे। अभी टू ए डे ऐसा बोलेंगे क्या, फर्स्ट ए डे बोलेंगे या TWO टू ए डे, ऐसा नहीं, ट्वाइस ए डे। मैं रोज दो बार ब्रश करता हूँ या मैं रोज एक बार ब्रश करता हूँ। वंस ए डे भी रहता तो ठीक है, वो आंसर हो सकता था। ट्वाइस ए डे है, यहाँ वंस और ट्वाइस के जगह ट्वाइस है, इसीलिए ट्वाइस ए डे इसका, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ट्वाइस है। इसमें नंबर डायरेक्ट नहीं आएगा, आप टू नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, TWO टू भी नहीं आएगा। तो आई ब्रश माय टीथ ट्वाइस ए डे, मैं दिन में दो बार ब्रश करता यानी ब्रश करता हूँ। इसमें टू और फर्स्ट और टू क्यों नहीं आया, क्योंकि दो बार ये शब्द आना चाहिए और ट्वाइस इस शब्द का अर्थ दो बार होता है, वंस का एक बार होता है। तो वंस ये शब्द इसमें है नहीं, वंस दिया नहीं रहेगा कभी भी, बराबर है, इसीलिए ट्वाइस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पिक्चर एंड वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर। अभी जो पिक्चर दिया है ठीक उसके नीचे उसका नाम भी दिया है, जैसे फर्स्ट पिक्चर कंप्यूटर, उसका नाम कंप्यूटर दिया हुआ है। सेकंड पिक्चर टेलीविजन, तो टेलीविजन दिया है। थर्ड पिक्चर आयरन दिया हुआ है। फोर्थ पिक्चर क्या है, तो लॉरी है क्या, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या वो कंप्यूटर है, नाम और पिक्चर में छोड़ा है क्या, सेकंड में टेलीविजन और नीचे में टेलीविजन मैच हो रहा है क्या, थर्ड आयरन और पिक्चर भी आयरन का मैच हो रहा है क्या, फोर्थ लॉरी और पिक्चर भी लॉरी का मैच हो रहा है क्या। एकदम सही सवाल, सरल सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम सरल सवाल है। यस
यस लॉरी जो है मीनिंग होता है कि वो सड़क मार्ग से माल ढोने के लिए प्रयुक्त बड़ा मोटर या वाहन, मीनिंग ट्रेन नहीं करेक्ट पेयर है। इसमें करेक्ट पेयर भी पूछा जाता है तो इसमें जो इनकरेक्ट पेयर है वो ऑप्शन फोर है, क्योंकि ऑप्शन फोर में जो चित्र या पिक्चर दिखाया गया है वो ट्रेन का पिक्चर है और नीचे जो नेम लिखा हुआ है वो लॉरी का लिखा हुआ है तो वो लॉरी का पिक्चर नहीं है, वो इनकरेक्ट पेयर है। यस बच्चों, इसीलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पिक्चर एंड वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर। अभी वर्ड और पिक्चर चूज करना है, पहला पिक्चर और उसमें नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है वो दोनों रिलेटेड है क्या, सेकंड पिक्चर और उसके नीचे जो वर्ड लिखा है वो रिलेटेड है क्या, थर्ड पिक्चर और उसके नीचे जो वर्ड लिखा है वो रिलेटेड है क्या, फोर्थ पिक्चर और उसके नीचे जो वर्ड लिखा है वो रिलेटेड है क्या। तो इसमें जो यस बच्चों, यस देखिए और देखकर बताइए। हाँ यस, तो इसका जो आंसर, हाँ बच्चों, थर्ड जो है वो ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर या करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन थ्री में जो पिक्चर दिया हुआ है वो बाइक का दिया हुआ है और वर्ड जो लिखा हुआ है वो आयरन लिखा हुआ है, जो उससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। गिवन द प्रॉपर पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड बटरफ्लाई। हमें यहाँ बटरफ्लाई का पिक्चर ढूंढना है। आप आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी नो बटरफ्लाई, सारे बच्चे जानते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली सभी बच्चों ने देखा है, सभी बच्चों ने पकड़ा है, क्योंकि बच्चों को तितली से प्रेम रहता है या प्यार रहता है, बच्चे तितली देखते ही बहुत हर्षित हो जाते हैं, इसीलिए आप बहुत अच्छे तरह से बटरफ्लाई का पिक्चर जानते हैं। यस हाँ बच्चों, बताइए उन आंसर, देखिए अच्छे से पिक्चर और बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। हाँ यस बच्चों, ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन टू में बटरफ्लाई का पिक्चर है। वेरी गुड गुड। चूज द मोर सुटेबल अल्टरनेटिव। अभी ये पिक्चर दिया गया है, आपको चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, फर्स्ट वायलिन, सेकंड ट्रिंगल, थर्ड स्विंग, फोर्थ ड्रम। वायलिन यानी सारंगी, ट्रिंगल त्रिगोल, स्विंग यानी झूलना या लहरना और ड्रम दिया हुआ है, तो ये किस कौन सा पिक्चर है, तो आप जानते हैं। हाँ बच्चों, बताइए पिक्चर देखकर, सोचने के लिए समय है, आप ऑप्शन भी पढ़ते रहिए, खुद मन के मन में पढ़ते रहिए। वायलिन, ट्रिंगल, स्विंग, ड्रम। ऑप्शन वन इज वायलिन, सेकंड ट्रिंगल, थर्ड स्विंग, फोर्थ ड्रम। यस बच्चों, हाँ क्या है करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ये क्या है, वायलिन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, अभी नीचे से हमें चूज करना है। टूल यूज्ड बाय मशीन, जो वस्तुएं मशीन में उपयोग में आती है, पहला ड्रिल, ड्रिल आप जानते हैं छेद करने की मशीन, वो जैसा स्क्रू आप जानते हैं, पेज नट भी आप जानते हैं, और एक बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है,
ओके, तो उस क्वेश्चन मार्क में कौन सा वर्ड आएगा? पहला अपना ऑप्शन है रोस्ट। रोस्ट यानी क्या करना, भुनना या भुना हुआ। स्पेस अंतरिक्ष, स्पेस का क्या मीनिंग है, अंतरिक्ष, सिलेंडर, बेलन के आकार वाला। अभी स्पेनर यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेनर? तो स्पेनर का मीनिंग होता है पाना। तो इसमें जो वर्ड आएगा स्पेनर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? स्पेनर आएगा। शायद आपने सुना भी होगा या पहले बार सुन रहे हैं आप। जो क्वेश्चंस है ये स्क्रीनशॉट मार के रख सकते थे पहले भी, अभी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि रोस्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, सिलेंडर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फोर, कभी कभी हमको सही में आंसर नहीं मालूम रहता। स्पिनर यानी क्या है ये मीनिंग आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन आपको रोस्ट का मीनिंग मालूम है, आपको स्पेस का मीनिंग मालूम है। अभी रोस्ट यानी भुना हुआ, वहाँ कोई मशीन का पार्ट है क्या? नहीं आएगा। स्पेस अंतरिक्ष, वहाँ कोई मशीन का पार्ट है क्या? नहीं आएगा। सिलेंडर बेलन, कोई मशीन का पार्ट है क्या? तो वो भी नहीं आएगा। तो अभी आएगा क्या, जो ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं है वो ऑप्शन सही होगा। कभी कभी इस प्रकार का भी, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के बच्चे और आप लोगों के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है, तो आपको कभी आंसर नहीं भी आ रहा है तो इस प्रकार का तुक भी लगाना है जो एकदम 100% सही रहेगा। क्योंकि आपको तीनों के मीनिंग अगर मालूम है और फोर्थ का मीनिंग मालूम नहीं है, और तीनों अगर उसके आंसर नहीं है तो उसका आंसर फोर्थ ही होगा। ये आपके मैं लास्ट एग्जाम के लिए बताया, इस तरह का सवाल अगर अभी सराव परीक्षाओं में आता है तो आपको वो वर्ड लिखकर लेके जाके, या वो पूरा क्वेश्चन लिखकर लेकर जाकर घर में देखना है, और डिक्शनरी या और टीचरों की मदद से उसका उत्तर या उसका मीनिंग जानने की कोशिश करना है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। टॉस, अभी ये द नेम ऑफ द ग्रुप इज निडल। निडल यानी सुई होता है, आपको उसके ग्रुप का प्रॉपर वर्ड चूज करना है। टॉस, स्पील, ब्लिंक और फोर्थ है स्टिच। तो स्ट्रिंग यानी तार होता है, हेम यानी गोट लगाना होता है या झालर टाइप का होता है, सीव यानी सिलाई करना होता है, अभी निडल यानी सुई है, अभी फोर्थ जो है वो हमको चाहिए। अभी आप ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है टॉस। टॉस यानी उछालना, आप कभी भी कोई खेल खेलते हैं तो टॉस करो बोलते हैं, आप सुने होंगे, और सिक्का उछालते हैं आपने देखा होगा। ओके, सेकंड है स्पील यानी छलकना, और थर्ड है ब्लिंक यानी झिलमिलाहट। ओके, और फोर्थ है स्टिच, स्टिच यानी टाका या सीवन। तो इसमें कौन सा वर्ड आपको ऑप्शन आएगा बच्चों? यस, आपको बताना है। हाँ बच्चों, यस, तो इसमें बच्चों फोर्थ ऑप्शन आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन आएगा। और इसमें फोर्थ ऑप्शन में जो स्टिच है वो वर्ड आएगा, वो उस निडल के ग्रुप का वर्ड है और प्रॉपर वर्ड है। तो इसका आंसर जो है बच्चे बच्चों आप, यस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। ये हमने पहले भी देखा था, आपने देखे थे। सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव, आई ब्रश माई टीथ, इसका आंसर भी दिया हुआ है, हम ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। टॉइस, और टॉइस इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, जो ये जो स्कॉलरशिप का परीक्षा है इसमें दो पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। हम जो आज
जो पोर्शन लिए हुए हैं या जो भी सिलेबस लिया हुआ है वो सेकंड पेपर का लिया हुआ है। सेकंड पेपर में भी दो सब्जेक्ट का दो विषय है, तो पहला है इंग्लिश और दूसरा है बुद्धिमत्ता। उसमें जो इंग्लिश है उसके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन, और उसमें से 24% ये वोकैबुलरी जो है इसमें से आने वाला है। मतलब कम से कम में 6-7 क्वेश्चन इस लेसन से आने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत फेमिलियर और सरल रहते हैं। आपके स्कोरिंग के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जिससे आप पेपर में स्कोर या मेरिट अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कि जितने भी वर्ड्स है आपके इंग्लिश के, आपके खुद के बुक के और स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके आज तक के बुक में जो भी वर्ड आए हैं, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। अगर आप लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका अगर लिस्ट प्रिपेयर रहेगा तो आप वो वर्ड का अर्थ अपने क्लास टीचर से आप गूगल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं बच्चों, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे आएगा नहीं। आपके स्कॉलरशिप के अध्ययन के लिए अच्छा है कि आपको फ्रूट के फ्रूट नेम का लिस्ट, एनिमल नेम का लिस्ट, बर्ड नेम लिस्ट, वेजिटेबल लिस्ट, ये सारे प्रकार के ग्रुप के नेम के लिस्ट आपको बना लेना है। और अगर आप खुद बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका वो उतना पढ़कर और प्रिपरेशन करके हो जाएगा। बच्चों आपने आज टाइम दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत अच्छा। ऑनलाइन आप ऑनलाइन में आप जुड़े रहे, वेरी गुड। और आपके Thank you.